फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहिए या इंजीनियरिंग में, कौन सा अच्छा होगा, या फिर मेडिकल में भी, राइट? तो कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? अगर आप फैशन डिजाइनिंग और मेडिकल और इंजीनियरिंग को एक साइड में रखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और आपके मन में एक दुविधा है कि फैशन डिजाइनिंग करने के बाद क्या फ्यूचर होगा, कितनी की सैलरी मिल जाएगी, या फिर क्या करते हैं फैशन डिजाइनर, कौन से कंपनी में जॉब करते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस दुविधा को दूर कर सकते हो और अपने फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। ये वीडियो में पूरी क्लियरिटी दूंगा और इस वीडियो को आप अपने पेरेंट के साथ, अपने गार्जियन के साथ या अपने बड़े भाई बहन के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइफ का डिसीजन आपके बड़े भी लेते हैं, इसलिए उनका भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। तो पहले हम कंपैरिजन करते हैं फैशन डिजाइन वर्सेस इंजीनियरिंग का। सिंपल सा आंसर यही है कि डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मतलब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, बहुत सारे डिजाइनिंग के फील्ड है, उसमें आप जा सकते हो बिना ये सोचे या बिना किसी डाउट के कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, इंजीनियरिंग से बेटर सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से कंपनी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर कंपनी ही नहीं होती है, या फिर कम सैलरी मिलती होगी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैशन डिजाइनर, जैसे आप जो भी कपड़े आज पहने हुए हो, कोई ना कोई एक फैशन डिजाइनर ही डिजाइन किया होगा। भले ही आपका शर्ट काफ़ी कॉमन सा है, बट उस कंपनी में भी इस डिजाइन के प्रोसेस को देखने के लिए फैशन डिजाइनर अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपके हर एक डिटेलिंग पे काम करता है। आपके डिजाइन, आपके शर्ट, पैंट, जींस, डेनिम, जैकेट, ये सारा कुछ पे आपका डिटेलिंग से काम किया जाता है। आपको भले ही लगता होगा कि ये आप नॉर्मली यूज करते हो, बट बनाता तो कोई ना कोई है, कोई ना कोई कंपनी बना रही है, और हर एक कंपनी में जो गारमेंट्स लाइन की कंपनी है, जो गारमेंट प्रोडक्शन करती है, उनके कंपनी में फैशन डिजाइनर की पूरी टीम होती है, जो कि शायद आपको आज पता चल गया हो। और रेमंड, बिमल, लुई विटोन, एलन सोली जैसे बड़े बड़े ब्रांड, H&M, जारा, जो भी आप नाम जानते हो, या फिर इससे भी बड़े बड़े नाम आप जानते हो, वो सब उस कंपनी में फैशन डिजाइनर ही ये डिजाइन बनाते हैं आपके लिए, और उनकी सैलरी लाखों में होती है। अगर आपको ये जानना है कि निफ्ट में फ्रेशर को कितना मिलता है, तो आप ये वीडियो देखना ना भूलें। ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप ये वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख लेना, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिले। वैसे सैलरी का मैं आपको बार बता दूं कि 4.8 लाख इज अ मिनिमम फॉर फ्रेशर एंड 22 लाख पर एनम फॉर लाइक अ फ्रेशर आल्सो। सो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आप किस कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, ये सारा कुछ मैटर करता है, कॉलेज टू कॉलेज एंड पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। सो इसलिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन था, तो आई थिंक आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। और अगर आप देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के इंजीनियरिंग कॉलेज कितने सारे हैं इंडिया में, लेकिन अगर आप डिजाइन इंस्टीट्यूट की बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के टॉप 10 के लिस्ट में भी 10 से 20 ही आता होगा। लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिखना स्टार्ट करूं, तो शायद मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और हर कॉलेज से इतने सारे बच्चे पास आउट होते हैं कि इंडस्ट्री में इंजीनियर कम चाहिए और स्टूडेंट पास आउट ज़्यादा है। लेकिन डिजाइनिंग फील्ड में ऐसा नहीं है, डिजाइनिंग फील्ड अभी भी बूमिंग कंडीशन में है, अभी भी पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं हुई है। जितने कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए, मतलब फैशन डिजाइनर चाहिए, उतने तो फैशन डिजाइनर इंडिया में नहीं बनते, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है। एंड सिंपल यही एग्जाम्पल मैं आपको मेडिकल के लिए भी दूंगा कि मेडिकल में पढ़ना आपका च्वाइस अगर है, तो आपके लिए डिजाइनिंग नहीं, लेकिन डिजाइनिंग पढ़ना आपका च्वाइस है, तो मेडिकल आपके किसी काम का नहीं, ठीक है? तो आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लाइन में आपको जाना चाहिए, डिजाइनिंग में आपको अपना कैरियर बनाना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ सजेशन की जरूरत पड़े,
तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और एक कॉल बुक कर सकते हैं हमारे साथ, जहाँ पे मैं आपको 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए रेडी हूँ और आपको समझाऊंगा कि आपके लिए क्या परफेक्ट है और आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसा कि हमने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ जो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, क्लियरिटी मिल सकती है और आपके लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन वो ले पाए। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।